ग्रीस में अंतर्राष्ट्रीय गिरा स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित 29वीं वर्ल्ड चैंपियनशिप में हरियाणा के चरखी दादरी के छोटे विनय सांगवान ने गोल्ड मेडल जीता। मेडल जीतकर अपने गांव चंदेनी पहुंचे विजय सांगवान का ग्रामीणों ने फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। ग्रामीणों ने चंदेनी गांव में अभिनंदन समारोह का आयोजन कर विनय सांगवान और उनके पिता को सम्मानित किया। विनय सांगवान ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए मेहनत के साथ साथ परिजनों और ग्रामीणों का सहयोग होना जरूरी है। जी हो रही है, सबसे पहले तो मैं मेरे सारे ग्रामवासियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे सब बड़े, मेरी बहनें, मेरे भाई, माताएं, सबका बहुत बहुत सारी सरकारों से यही अपील है कि किसी भी तरह का गेम हो, छोटा बड़ा, हमारे को इनकरेज करते रहें। क्या होता है ना कि कहीं फेडरेशन स्ट्रांग होती है तो उसकी तरफ झुकाव ज़्यादा हो जाता है सरकार का, लेकिन मेरी यही एक विनती है कि अगर आप हर खेल में खिलाड़ी को प्रोत्साहित करेंगे, इनकरेज करेंगे, तो उसका और मनोबल बढ़ेगा और वो आगे आने वाले टाइम में देश के लिए और मेडल लेके आ पाएगा। और वो किसी भी तरह से कर सकते हैं, आप बुला के सम्मानित कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसों से ही हेल्प करें खिलाड़ी की, उसको बुला के सम्मानित कर सकते हैं, उसका बेसिकली मोटिवेट कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं उसको। तो यही मेरी एक प्रार्थना है हमारी सब सरकारों से। विनय के पिता रिटायर्ड मेजर टोखराम को अपने बेटे की कामयाबी पर गर्व है। उन्होंने कहा कि युवाओं को अगर सही मार्गदर्शन मिले तो उन्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप सबका धन्यवाद। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस लड़के ने बहुत मेहनत की और उसका परिणाम मिला इसको, और उसकी वजह से हम सबका नाम जो है गौरवमय हो। अभिनंदन समारोह में मौजूद सरपंच प्रतिनिधि राजवीर सांगवान ने विनय सांगवान की तारीफ करते हुए कहा कि ये हम सबके लिए गर्व की बात है। अन्य युवाओं को भी विजय सांगवान से प्रेरणा लेकर खेलों में अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। आज विनय सांगवान विश्व के अंदर 2 गोल्ड कप जीत के आया है। इसके कारण गांव में बहुत ही बड़ा उत्साह है, खासकर युवा शक्ति में। युवा जो जवान है वो सभी बहुत ही खुश हैं कि हमारा भाई पूरे वर्ल्ड में नाम कमा के आया है। सबसे पहले चंदेनी गांव का नाम है, फिर जिला का नाम है, फिर हरियाणा का नाम है, उसके बाद में पूरे इंडिया में मतलब गोल्ड मेडल लेके आया। इससे बड़ी खुशी गांव के लिए हो ही नहीं सकती कोई। और इससे क्या है कि पूरे युवा जो साथी हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा, और कुछ बच्चों ने कसम भी खाई है कि अगले कुछ आने वाले सालों में हम भी विनय भाई की तरह ये गांव में सम्मानित होंगे। विनय सांगवान ने समारोह में शामिल युवाओं से कहा कि खेल को खेल की भावना के साथ खेलना चाहिए, कोई खेल छोटा या बड़ा नहीं होता। साथ ही विनय ने सरकार से भी मेडल जीतने पर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने की बात कही। चरखी दादरी से नरेंद्र मंदोला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।